वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता क्या कुछ कह रही है, आपको सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ, आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर वन देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। तो आप सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सुन रहे थे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि शराब घोटाले में के सरगना अरविंद केजरीवाल ही है। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी ताकि और पूछताछ की जा सके। कोर्ट से ईडी ने इस दौरान 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए 6 दिन की रिमांड का वक्त दिया है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर ही रहेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी बीते दिन झटका लगा था। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा दें, आबकारी नीति 2021-22 में आई थी, कारोबारियों के लिए मार्जिन प्रॉफिट जो था 12% कर दिया गया था। रिटेलर के लिए मार्जिन प्रॉफिट 185% बढ़ाया गया था। इस दौरान बदलाव के लिए शराब कारोबारियों से भी रिश्वत ली गई थी। 100 करोड़ की रिश्वत लेने का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है। साथ ही एक्सरसाइज पॉलिसी तैयार करने से लेकर लागू करने तक का भी कथित शराब घोटाले में राज्य सरकार को
2000 करोड़ के फायदे की बात सामने आई थी, जिस रुपए को बाद में गोवा और पंजाब के इलेक्शंस के दौरान इस्तेमाल किया गया। इसके एवज में 100 करोड़ रुपए लिए, जो गुजरात और गोवा इलेक्शंस में यूज किए गए, इस्तेमाल किए गए। एक्सरसाइज पॉलिसी तैयार करने से लेकर लागू होने तक ये पूरा मामला है। दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये एक्सरसाइज पॉलिसी लाई गई। आपको डेट्स बता दें, मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। अब हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे गए। 21 नवंबर 2022 को बॉन्ड को बीजेपी ने बुनाया और जून 2023 में सरकारी गवाह बने शरद चंद्र। नवंबर 2023 में फिर 25 करोड़ का चुनावी चंदा दिया गया। बीजेपी को कुल 34 करोड़ का चंदा दिया गया है अब तक। घोटाले के सरगना है केजरीवाल, ऐसा ईडी का बार बार कहना है। और कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई तो ईडी ने यही कहा कि केजरीवाल पॉलिसी बनाने में शामिल थे, मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है। केजरीवाल ने खास लोगों का पक्ष भी लिया है। साथ ही ईडी ने कई सारे जो है सबूत भी अदालत के सामने रखे। रिश्वत के लिए खास लोगों से रिश्ता बनाया गया, रिश्वत के पैसे का भी प्रयोग गोवा चुनाव में किया गया, ऐसा ईडी का दावा है। 45 करोड़ हवाला से गोवा भेजे गए। और साथ ही के कविता का भी बयान लिया गया है। ईडी ने के कविता को बीते दिनों गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल से पहले के कविता की गिरफ्तारी हुई थी और ईडी का यह कहना है कि उनके पास सबूत है। विजय नायर बिचौलिए थे और केजरीवाल का बेहद करीबी है विजय नायर। आपको बता दें, सबसे पहले इस मामले में विजय नायर की ही गिरफ्तारी हुई थी और ईडी का कहना है कि उनके पास सबूत है कि विजय नायर केजरीवाल के बेहद करीबी है और सारा जो ये खेल रचा गया था शराब नीति का, उसमें विजय नायर सबसे जरूरी मोहरा थे। वहीं इस दौरान केजरीवाल के वकील का कहना है हिरासत में पूछताछ की आखिर जरूरत क्यों है, चुनाव से पहले नेताओं की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई, एंड लोकसभा चुनाव से पहले आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई। ईडी सिर्फ 3-4 नामों को ही दोहरा रही है। केजरीवाल के वकील ने बार बार ये आरोप लगाया है कि आखिर चुनाव से पहले टाइमिंग को लेकर कि आखिर क्यों चुनाव से एन पहले गिरफ्तारी हुई। अगर पूछताछ ही करनी है तो उसके लिए हिरासत की जरूरत क्यों है, हिरासत में रहकर पूछताछ की जरूरत क्यों है, जवाब दीजिए, ऐसा केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है। चुनाव से पहले नेताओं की गिरफ्तारी क्यों हुई, ईडी सिर्फ 3-4 नामों को ही बार बार दोहरा रही है। तो पहली बार चुनाव से पहले नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। और आपको बता दें, इसी के साथ अरविंद केजरीवाल पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद अब अगर बात की जाए, हमने देखा किस तरह से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल दिखाओ। ठीक है, आप केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हो 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का, लेकिन मनी ट्रेल कहाँ आएगा। और अब हमने देखा किस तरह से अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और लोगों के सामने पूरा एक चिट्ठी पढ़ के बताई कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए अपने समर्थकों को यह संदेश दिया है। क्या माना जाए, क्या सिंपथी लेने की एक कोशिश? देखिए बिल्कुल रिया, बता जाऊं जिस तरीके से कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, उसी समय से आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साध रही है और इसे शुरू से एक राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। और अब जबकि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है और ऐसे में चुनाव से पहले जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तो अब आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपनी सिंपथी बटोरने के लिए इस तरह के जो रणनीति के तहत काम करे, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार भले ही जेल से चलानी पड़े, जेल से चलेगी सरकार, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। हालांकि इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी एक बार फिर से भाजपा पर पलटवार किया है और निशाना साधते हुए कहा है कि जो जिस तरीके से मनी ट्रेल का आरोप लगाया जा रहा है, बल्कि लेकिन उसके अलावा इसमें एक और खुलासा करते हुए कहा है आतिश ने, साफ तौर पर कहा है कि मनी ट्रेल कहाँ है, जबकि जो कंपनियां हैं, जिस तरीके से शरद रेड्डी की जो कंपनी है वो इलेक्ट्रोल बोर्ड के
तहत जो भाजपा को जो चुनावी चंदा दिया गया है वो मनी ट्रेल है, उसको मनी ट्रेल से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करने की बात कही थी, ईडी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जी भैया अजीत, जिस तरह से अगर बात की जाए कि भले ही संप्रभुता बटोरने की कोशिश यहां पर बखूबी की जा रही है, जिस तरह से केजरीवाल की पत्नी जो है लाइव आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल की चिट्ठी पढ़कर सुनाई और बोला, अगर आप ध्यान से सुने कि क्या उनकी पत्नी ने बोला, उन्होंने यही बोला कि बीजेपी के जो लोग हैं इनसे घृणा ना करें, ये भी हमारे भाई बंधु है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को एक तरह से देखा जाए बड़ा पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टी, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर भाजपा की बात करें। ठीक है अजीत, ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वही अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां लगातार जो है इस मामले में पेचीदियां जो है बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा दिल्ली से आ रही है, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी, उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर आज फैसला होगा, कई सीटों पर नए प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर बता दें कि कई सीटों पर नए प्रत्याशियों का ऐलान होगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर, आज दिल्ली में बीजेपी की सीईसी की बैठक होगी, केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में कई दिग्गज जो नेता हैं वो शामिल रहेंगे। 25 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण सीटों पर फैसला हो सकता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई सीटों पर नए प्रत्याशियों का भी ऐलान संभव है, नगीना सीट की तरह प्रयोग हो सकता है। साथ ही नगीना से 3 बार के विधायक ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। कई प्रत्याशियों के नामों पर आज अंतिम मुहर लगेगी। साथ ही पीलीभीत, सुल्तानपुर, कैसरगंज, गाजियाबाद पर नजर रहेगी, क्योंकि पीलीभीत से वरुण गांधी जो है वो सांसद है, माना जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, किसी नए चेहरे को मौका दे सकता है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी जो है बीजेपी की तरफ से सांसद है, उनका भी टिकट शायद कट सकता है। कैसरगंज सीट काफी उस पर नजर रहेगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह को फिर से टिकट दिया जाएगा नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। तो इनकी अटकी है सांस से, बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से सांसद है, वरुण गांधी सुल्तानपुर से, मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद है, वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद है, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से सांसद है। इन सभी लोगों की जो है सांस से अटकी है। वीके सिंह गाजियाबाद से है और अब की बार माना जा रहा है सभी जो बड़े बड़े नाम है इनको फिर से मौका दिया जाएगा या नहीं। चंद्रसेन जादौन फिरोजाबाद से और सत्यपाल मलिक बागपत से, तो ये वो नाम हमने आपको बताए। संतोष गंगवार बरेली से सांसद है, वहीं सतीश कुमार गौतम अलीगढ़ से, राजवीर सिंह दिलेर हाथरस से, वहीं रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से सांसद है। विवाद आपको बता दें, विवाद के खिलाफ है महिला रेसलर्स, इनके साथ ये विवाद है कि महिला रेसलर्स के ने बृजभूषण शरण सिंह पर कई यौन शोषण के आरोप लगाए थे। साथ ही पिता स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों को लेकर चर्चित है। सांगमित्रा मौर्य बदायूं से इनको टिकट देने की बात है। यही अगर आपको वीके सिंह से लेकर विवाद बताए, गाजियाबाद में हो रहा जो पूरा माहौल देखने को मिला उसको लेकर विवाद है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले अजीत का रुख करेंगे, जो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। अजीत, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में हो रही है, कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, क्या कुछ माना जाए, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, किन किन नामों पर यहाँ पर ऐलान हो सकता है, फैसला लिया जा सकता है? देखिए यह बिल्कुल, आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक है और इस बैठक में माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर अंतिम मोहर जो है वो लग सकती है, जिसमें कई सीट जो काफी अहम माने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम मसलन बात करें मसलन पीलीभीत से जिस तरीके से अभी सांसद वरुण गांधी, सुल्तानपुरी से मेनका गांधी, ये वो नाम है जो
कहीं ना कहीं इन लोगों की सीट, इन लोगों के नाम पर संशय बरकरार है। जिस तरीके से लगातार उस समय से फुसफुगाहट चल रही है कि संभावना जताई जा रही है कि इनके इनकी जो टिकट है वो कट सकती है। वहीं अगर ब्रजभूषण शरण की बात करें तो जिस तरीके से बीते दिनों महिला जो महिला रेसलर है उनके खिलाफ जो यौन शोषण के जो आरोप लगे, कहीं ना कहीं विवादित नाम रहा है और संभावना, हालांकि अभी संभावना जता पाना शायद जल्दबाजियों का, लेकिन जिस तरीके से लगातार वो विवादों में है, कहा जा सकता है कि उनके नाम पर भी संशय बरकरार है कि क्या उन्हें जो भाजपा है वो रिपीट करती है या उनके जगह पर भी जो नाम है वो नया नाम ऐलान कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है अजीत। हमारे साथ लखनऊ से भी प्रियम जुड़े हुए हैं। प्रियम, अगर बात की जाए जिस तरह से आज बीजेपी की बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो 25 सीटें हैं उन पर नामों का ऐलान हो सकता है, फैसला लिया जा सकता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो पीलीभीत, सुल्तानपुर, कैसरगंज, गाजियाबाद, पीलीभीत से वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह और गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, क्या लग रहा है प्रियम? बिल्कुल रिया, देखिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है और दूसरी सूची जारी करने को लेकर जो है वो मंथन चल रहा है और इसीलिए आज दिल्ली में ये केंद्रीय नेतृत्व की जो है ये बैठक बुलाई गई केंद्रीय चुनाव समिति की और उसमें सभी जो इस समिति के पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और उसके अंदर नामों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद में जो दूसरी सूची है पार्टी प्रत्याशियों की वो जारी की जा सकती है। पहली सूची में 51 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे जिसमें 4 नाम जो थे वो नए थे, बाकी 47 जो नाम थे वो पुराने ही सांसदों को फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। लेकिन अब माना जा रहा है कि जो बची हुई सीटें हैं इसमें एक बड़े संख्या में जो परिवर्तन है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो बची हुई सीटें हैं वो किसी ना किसी तरीके से अगर आप देखें तो थोड़ा सा विवाद में रही हैं या उनके जो सांसद रहे वो विवादित रहे हैं और तो इसको लेकर माना जा रहा है कि अब जो सूची आ रही है और इसीलिए शायद इतना मंथन हो रहा है कि उसमें नामों को लेकर चर्चा की जा रही है कि जो नाम है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्या दूसरे नाम उनके जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट उनका हो सकता है या कैंडिडेट बदलने से पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा, इन सभी चीजों को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। समीकरण क्या कुछ कहते हैं और जो सीटों की बात करी जाए तो उसमें पीलीभीत है जहां से वरुण गांधी आते हैं, सुल्तानपुर की सीट है जहां से मेनका गांधी जो है वो आती हैं, केसरगंज की सीट सबसे अहम है, ब्रजभूषण सिंह चूंकि लंबे समय से विवाद में रहे और जिस तरीके से एक कहीं ना कहीं उनके खिलाफ माहौल जो है वो देखने को मिला तो कहीं ना कहीं पार्टी चाहेगी कि उस सीट को जो है वो बदला जाए। इसी तरीके से अन्य जो सीटें हैं वहां पर भी हर एक सीट को लेकर जो है, चाहे वो प्रयागराज की सीट हो जहां पे रीता बहुड़ा जोशी हैं, तो उन पर क्या परिवर्तन होगा या फिर पार्टी इन प्रत्याशियों पर दाव खेलेगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। और यही एक कहीं ना कहीं बड़ी वजह है कि अगर आप देखें तो लगातार कई दौर की जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं, केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई है और उसके अंदर इन नामों को लेकर चर्चा की गई है कि क्या इन नामों को फिर से मौका दिया जाना है या फिर इनकी जगह पर दूसरे नाम जो हैं वो दूसरे चेहरे जो हैं वो उतारे जाएंगे और जो दूसरे चेहरे होंगे तो वो कौन चेहरा ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन के तौर पर भी पार्टी जो है वो हर एक सीट पर देख रही है कि किसका कौन ऑप्शन बेहतर हो सकता है जिसका साफ तौर पर चुनावी परिणाम में कोई अंतर जो है वो देखने को ना मिले बल्कि जो अंतर वो बेहतर के तौर पर हो। तो इसलिए पार्टी हर एक सीट को लेकर माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर उसने तैयारी करी है, हर एक सीट की सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो देखी जा रही, क्या कुछ कह रही है, समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, चाहे वो जाति हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या अन्य समीकरण हो, इन सभी समीकरणों को देखा जा रहा है, उनका अध्ययन किया जा रहा है और इसीलिए आज ये बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई गई है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद में बचे हुए सीटों के प्रत्याशियों की भी सूची जो है वो जारी की जा सकती है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिसमें पहले चरण में ही जिनमें मतदान होना है, जिसमें पीलीभीत भी शामिल है जिसमें पहले चरण में मतदान होना है और उस पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। देखना यही होगा कि आज सीईसी की बैठक के बाद क्या पीलीभीत, सुल्तानपुर, कैसरगंज, गाजियाबाद जैसी जो हॉट सीट्स हैं उन पे क्या कुछ निर्णय निकल कर आता, नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम आपका तमाम जानकारी के लिए, अजित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।